हेलो दोस्तों, आज का वीडियो उन छात्रों के लिए खास होने वाला है जो बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाए हुए हैं सीजी वैपम के माध्यम से। तो उनका इंतज़ार जो है दोस्तों आज जो है ख़त्म होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है इस वीडियो में मैं बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आप किस तरीके से फिलअप करेंगे ये पूरे स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, वीडियो को आपको लगातार देखते रहना है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहीं पहले से ही सब्सक्राइब है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जो है बीएससी नर्सिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आ जाते हैं, डीएमई की वेबसाइट में। तो डीएमई की वेबसाइट में यहाँ पर हमको जो है दिखाई दे रहा है दोस्तों, नर्सिंग पाठ्यक्रम जो है आपका स्टार्ट हो गया है, जिसमें एमएससी नर्सिंग है या फिर पीबीएससी नर्सिंग है या फिर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग डिप्लोमा कर के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप जो है इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस जो है खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑनलाइन एडमिशन ईयर 2023 रजिस्ट्रेशन पोर्टल करके आ गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप जो है एमएससी नर्सिंग में फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म, तो इसमें क्लिक कर लेने हैं। कहीं आपको पीबीएससी नर्सिंग में फिलअप करना है तो इसमें क्लिक कर लेना है। अगर आपको जो है बीएससी नर्सिंग में करना है तो इसमें फिलअप कर लेना है। ठीक है दोस्तों, या पोस्ट बेसिक नर्सिंग में क्लिक करना अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसमें क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो है दोस्तों बीएससी नर्सिंग में फिलअप करने वाला हूँ, और इन सभी का फॉर्म जो है सेम एक ही जैसे होने वाला है दोस्तों। अगर ऐसा नहीं कि आप बीएससी नर्सिंग का जो है वीडियो देख रहे हैं तो वो एमएससी में आपका काम नहीं आएगा, या जो है पीबीबीएससी में काम नहीं आएगा, या पोस्ट बेसिक सेम होता है दोस्तों प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ से चलिए मैं जो है बीएससी नर्सिंग में क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही बीएससी नर्सिंग में क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर फिलअप करने की आवश्यकता है। देखिए ऑनलाइन नर्सिंग एडमिशन ईयर 2023 रजिस्ट्रेशन बीएससी नर्सिंग करके दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे फिलअप करना है। नर्सिंग जो है यहाँ पे नर्सिंग परसेंटल दिया हुआ है। यहाँ पे जो है नर्सिंग का आपका रोल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी। तो आप जो है वैपम में रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे दे सकते हैं और उस ईमेल आईडी को भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं सभी डिटेल्स को फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इनकी जो सभी डिटेल्स हैं उनको मैंने फिलअप कर लिया। यहाँ से देखिए रोल नंबर दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर फिलअप कर लिया। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिलअप कर लिया। यहाँ पर जो परसेंटेज आया है वो दिया हुआ है तो मैंने परसेंटेज फिलअप कर लिया। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर फिलअप कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर वैपम से रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। अब चलिए दोस्तों, हम सबमिट कर लेते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक वेरिफिकेशन कोड के लिए जो है ओटीपी चला जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी गया रहेगा उसको दर्ज कर लेना है और वेरीफाई ओटीपी में आपको क्लिक कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यू आर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, यूजर नेम पासवर्ड हैज़ बीन सेंड यूअर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ई मेल आई डी करके दिया हुआ है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, गो टू लॉग इन पेज में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गो टू लॉग इन पेज में क्लिक करेंगे यहाँ पे वापस से आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने अपना यूजर आईडी दर्ज कर लिया। अब यहाँ पे जो है मैं अपना पासवर्ड जो है उसको भी दर्ज कर लेता हूँ इस तरीके से। अब पासवर्ड दर्ज करने के बाद देखिए दोस्तों, ये कैप्चा कोड दिया हुआ है। अगर आप ये कैप्चा कोड को बदलना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके इस कैप्चा कोड को आप बदल सकते हैं। बदलने के बाद आपको जो कैप्चा कोड यहाँ पे मिला हुआ है तो इसको दर्ज कर लेना है। दर्ज करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है आई हैव रियट द नर्सिंग एडमिशन रूल 2019 में जो रूल बनाया हुआ था 1921 में, उसको अगर आप रीड कर लिए तो इसको आपको यस कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको साइन इन में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन में क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी यूज़र आईडी पासवर्ड जो है सुरक्षित करने के लिए आ जाता है। मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद देखिए दोस्तों, इसका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पर इनका जो है डैशबोर्ड भी दिया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में क्लिक करता हूँ।
डैशबोर्ड में देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुलकर आ जाता है। खुलकर आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यू आर छत्तीसगढ़ डोमिसाइल, तो क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो आपको क्या कर लेना है यहाँ पे यस कर लेना है दोस्तों इस तरीके से। ये जो है पहले से ही आपका ये सभी डिटेल जो है व्यापम से फिलअप होकर आ जाता है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कॉलेज टाइप यहाँ पे आपको कर लेना है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है दोस्तों, आप या तो गवर्नमेंट में अपना फॉर्म भर सकते हैं काउंसलिंग के लिए और प्राइवेट में, तो दोनों को दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको सीजी कैटेगरी, तो आप जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, वो यहाँ पे चयन कर लेना है। यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाई छत्तीसगढ़ स्टेट, तो आपके पास जो है आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है वो क्या छत्तीसगढ़ स्टेट से इशू हुआ है, अगर हुआ है तो आपको यस कर देना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका छत्तीसगढ़ स्टेट परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट, तो देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है क्या ऑनलाइन बना हुआ है, ऑनलाइन बना हुआ है या ऑफलाइन बना हुआ है तहसीलदार के माध्यम से। अगर कहीं तहसीलदार के माध्यम से ऑफलाइन बना हुआ है दोस्तों, तो हो सकता है कि आपके काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों मेरा जो है ऑनलाइन बना हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्लास का चयन कर लेना है, जैसे कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आपको यस कर लेना है, अगर नहीं है तो आपको नो कर लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपकी जो माइनॉरिटी दिया हुआ है, अगर आप अल्पसंख्या से हैं तो यहाँ पे आप जो है जिस अल्पसंख्या या समुदाय से हैं आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। मैं जो है अल्पसंख्या से नहीं हूँ तो इसमें नो क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है, क्या आप वर्तमान में संचालन सेवा संचालन या चिकित्सा शिक्षा के अधीन कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह के संस्था में कहीं पे काम कर रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, मैं जो है नो कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये सभी डिटेल्स को फिलअप कर लेना दोस्तों। चलिए स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने फिजिक्स का जो है ओबिडेंट मार्क जो प्राप्त है उसको मैंने फिलअप कर लिया। यहाँ पे जो है इसका आउट ऑफ है मतलब 100 नंबर का होता है। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का हो गया, यहाँ पे भी 100 नंबर का केमिस्ट्री होता है, और यहाँ पे देखिए बायोलॉजी है, बायोलॉजी भी 100 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आपको चयन कर लेना है। टोटल यहाँ पे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो है आपका 61% के आसपास बनता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नेम में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, बायोलॉजी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपको यस कर लेना है दोस्तों, 12th पास इन इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो यस कर लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप अपने 12th क्लास की जो सर्टिफिकेट है उसको देख सकते हैं, जो टोटल नंबर आपका आया हुआ है उसको डाल देना है, और यहाँ पर आपको आउट ऑफ तो जो 500 पूर्णांक का होता है उसको डाल देना, तो टोटल जो होता है दोस्तों 62% होता है। और यहाँ पे देखिए आपको ये टिक मार्क में ऐसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आवेदक द्वारा स्वीकार्य टिक कर लेना है। टिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन आ जाता है, आपको यहाँ से जो है सबमिट में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करेंगे दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली यहाँ पे फिलअप हो गया है। तो यहाँ से चलिए हम नीचे की ओर आते हैं दोस्तों, इस तरीके से नीचे की और आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये सबमिट फिनिश करके दिया हुआ है। अगर आप चेक करना चाहते हैं इनको तो चेक कर सकते हैं दोस्तों, अगर चेक नहीं करना है तो आप इसको, अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी रहेगा दोस्तों तो आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक करके इसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको गो बैक करके इसको आप सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे सेवन फिनिश में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पेमेंट वाली ऑप्शन खुलकर आ जाता है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 500 रुपये का भुगतान हो रहा है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये जो टिक मार्क दिया हुआ है इसमें आपको टिक कर लेना है और पे नाउ में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इनके भी ऑप्शन जो है यहाँ पे खुलकर आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से चलिए मैं जो है कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं जो है कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम डाल देना है। अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप नेट बैंकिंग का भी चयन कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि स्टेट बैंक का है तो यहाँ से SBI कर लेना और यहाँ से पे कर लेना। तो मैं जो है अपने कार्ड के माध्यम से
कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना कार्ड नंबर इंटर कर लिया, एक्सपायरी नंबर, यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम यहाँ पे दर्ज कर लिया, और यहाँ पे जो है आप चाहें तो सेव करके रखना चाहते हैं। अगर कोई आप कंप्यूटर सेंटर या सीएससी सेंटर चलाते हैं और किसी का भरना है आपको बीएससी नर्सिंग में फॉर्म, तो आप सेव कर सकते हैं। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पे नाउ में आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो दिया हुआ है पे एंड सेव कार्ड, तो मैं पे सेव नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए पे विदाउट सेविंग कार्ड, मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरह की कोई जीएसटी चार्ज वगैरह नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यू में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसमें आपका कार्ड जो है रजिस्टर्ड है उसमें एक ओटीपी आ जाएगा दोस्तों। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरे फ़ोन में जो है ओटीपी आ चुका है। मैं उस ओटीपी को यहाँ पे दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद जो है मेक पेमेंट में आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों, और यहाँ पे ये प्रोसेस को कंप्लीट होने देना है दोस्तों। आपको इसको रिफ्रेश नहीं करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली करके आ गया है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी जो पेमेंट की स्टेटस है वो चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पेमेंट वाली ऑप्शन के जगह पे जो है चॉइस फिलिंग करके दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इंटर सर्च कॉलेज नेम, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी जो कॉलेज नेम है वो सभी कॉलेज नेम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपको सेलेक्ट करने के लिए पहले तो ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको एड में ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर जितना कॉलेज है दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसको मैं सबसे पहले फिलअप लेता हूं, उसके बाद जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, सभी कॉलेज जो है दिया हुआ है। आपको यहां पे स्क्रॉल को नीचे की ओर ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद सभी गवर्नमेंट कॉलेज जो है यहां पे आप देख सकते हैं, पूरे गवर्नमेंट कॉलेज यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो आप जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ कहाँ की है ये सभी को आपको देख लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है रायगढ़ है या फिर सरगुजा है या फिर राजनांदगांव है, ये सभी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है इसको देख सकते हैं, और इसमें ऐसे आप जो है टिक मार्क कर लेना है और ऐड में क्लिक कर लेना। चलिए यहाँ पे भी मैं ऐड में क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे भी ऐड में क्लिक कर लेता हूँ। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें मैं जो है क्लिक कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये मेरा जो है सभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है हो गया दोस्तों। अगर आप कहीं प्राइवेट कॉलेज में भी जाना चाहते हैं, तो आप इनमें से जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनका चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीपी कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायपुर करके दिया हुआ है, तो मैं इसको चयन कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे जो है नज़दीक पड़ने वाला है। और कोई कोई जो होगा, जैसे कि आपके आसपास में जो आपको आने जाने में जो है सहूलियत हो आने जाने में, तो यहाँ पे देखिए मैं जो है भिलाई का भी चयन कर लेता हूँ यहाँ पे ऐड करके। तो इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। जैसे भी कोई आपको रिमूव करना है, तो यहाँ से आप जो है टिक करना है और यहाँ पे आप जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर किसी भी कॉलेज को पहली प्राथमिकता देना है तो इसमें ऐसे क्लिक करना है और इसको अप कर लेना है ऐसे। तो ये जो है अप डाउन हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जितने कॉलेज हैं वो सभी को मैंने जो है चयन कर लिया, जितना मुझको लगा कि यहाँ यहाँ पर मुझको जो है गवर्नमेंट या जो प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पर करना है, मुझको नज़दीक पड़ने वाला है, सुविधा होने वाला है। तो उन सभी जगहों को मैंने यहाँ पे चयन कर लिया। आप देख सकते हैं ये सभी कॉलेज का जो नाम है, चाहे तो आप जो है अपनी फ़ोन में स्क्रीनशॉट करके भी इसको रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मेरे लगभग आसपास जो नज़दीक का जितने भी कॉलेज हैं वो सभी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर और भी कहीं सेलेक्ट करना है, मैं ऐसे क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ पर मैं ऐड में क्लिक कर लूँगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ऐड में क्लिक कर लेना दोस्तों। अगर कहीं आपको रिमूव करना है किसी भी कॉलेज को, तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू में मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम सेव एंड प्रीव्यू में क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कॉलेज रेफरेंसेस। इतने सारे कॉलेज में मैंने काउंसलिंग के लिए अपना फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 कॉलेजेस हैं जिनमें मैंने अपना नाम जो है अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ से हमको क्या करना है दोस्तों, डू यू वॉन्ट टू लॉकेट ऑल चॉइस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लॉक अगर आप एक बार इसको कर दिए तो उसके बाद क्या होगा, आप दोबारा कोई भी कॉलेज में जो है एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। दर्ज करने के बाद देखिए यहाँ पे लॉक एंड फिनिश दिया हुआ है, इसमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यू आर चूसिंग टू लॉक यूअर चॉइस, नो चेंजिंग इन रेफरेंसेस लिस्ट करके दिया हुआ है। तो जो एक बार अगर लॉक हो गया, उसके बाद आप किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ओके में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही ओके में क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं
मेरा फॉर्म जो है सक्सेसफुली फिलअप हो गया है दोस्तों इस तरीके से। अब इसको जो है मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मेरा प्रिंट ऑप्शन आ गया है। अब इसको मैं सक्सेसफुल यहाँ पे जो है प्रिंट को जो है PDF के रूप में सुरक्षित करके रख लिया। BSc नर्सिंग का फॉर्म या DEd BEd का फॉर्म जो है काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप उसमें कॉल करके या व्हाट्सअप करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों और अपना फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।